قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّم अल्ला मसलिल से दिना व मौलाना मोहम्मद ऊँ अलि से दिना उमौाना महमद उबारक मसलम अल्ला मसल से ईदिन व मौलाना मोहम्मद अल अली दिन वामाना मोहम्मद उबारक मसल हया और पागदामनी की सीरीज़ चल रही है उसका आज चौथा बयान है अलहदुल्ल सीरत रसूल सल्ला वसम का मामला भी सीर सिलसिला भी चल रहा है चालीस बयान हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और यूट्यूब के चैनल पे भी मौजूद हैं के केप भी मौजूद इसके अलावा हया और पाक दामनी सीरीज़ मकामी मकारी में अखलाक सीरीज और गुजा दिनों में कसान सीरीज़ भी अलहमदिल्ला हो चुकी है आज हमारे माशरे में और फ़हाशी का एक तूफ़ान जो है वो मौजूद है ये वो तूफ़ान है जो अहर कफुर की आयश गाहों से उठा और उनके मीडिया के ज़रिए उनके लोगों के ज़रिए ये मुसलमान ममालिक में फैला और इतना फैल गया कि तकरीबन हर शख़्स इस तूफ़ान की ज़द में आ चुका बहुत थोड़े हैं जो इस तूफ़ान की ज़द से बचे हुए हैं इंटरनेट वीडियो मोबाइल ऐसे डिवाइसेस इन्होंने इसको हमारे अंदर तक पहुंचा दिया घर घर तक इसको पहुंचा दिया और इसका पूरा मुस्लिम माशरा ये उन बातों का मरकज बन रहा है जो आज से पहले सिर्फ़ कुफुर के अंदर होती थी बेहयाई की वो दास्तानें बेहयाई के वो वाक़ात बेहयाई के वो मामलात जो पहले सिर्फ़ अहले कफुर में मौजूद होते थे आज हमारी बेपरवाही की वजह से गफलत की वजह से शरीयत को नजरअंदाज कर देने की वजह से और दुनिया की मालो जाह की वजह से हमने उसके आगे बंद ना बाधा आज वो सारे बेहतरी के वाकयात हमारे ही घरों में नज़र आते हैं कुफार की तहजीब और तमदन को देख कर हमारी नौजवान नस्ल अपनी हकीकत को भूल गई वो ग्लैमर में और रोमांस के अंदर डूब गई वो नौजवान जो रातों को अल्लाह के सामने जागते थे वो नौजवान जिनके चेहरों पर जिक्र की नूर की किरण हुआ करती थी वो नौजवान जो इस उम्मत के लिए एक मुस्तबिल का खाब थे वो सब के सब बेही के अंदर डूबते चले गए अल्ला माशाल्लाह। पहले नौजवानों के चेहरे पे इबादत का नूर होता था अल्लाह रबुल्ज़त की महारफत होती थी और आज तो हर नौजवान तकरीबन हर नौजवान बेही की सोचों के अंदर मुबतला हैं पहले ज़माने में कहीं कहीं कहींबरत की खातिर लैला और मजनू की दास्तानी नज़र आती थी कहीं कहीं छपती थी कहीं कहीं ज़िक्र होता था बल्कि लोग इसका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझते थे अगर कहीं जिक्र होता भी था तो तोरत की खातिर ज़्यादा होता था लेकिन आज अक्सर वश्तर जिस नौजवान की ज़िंदगी के हालात लें तो अंदर से वो मजनू निकलता है और किसी नौजवान लड़की के हालात लें तो अक्सर व बेशतर अंदर से वो ख़ुद लैला होती है हमारे माशरे की पाकिदगी और हया ये ख़त्म ही हो चुकी रोज़ाना चाहे अखबार हों चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कोई और तरीक़ा हो हर तरफ़ से इस तरह की अजीब व गरीब आती हैं बच्चियों का घरों से फ़रार या फिर इश्क व की दास्तानें या फिर इज़्ज़तों के पारे को पार पार हो जाने इज़्ज़तों की चादर पार पार हो जाने की दास्तानें हर वक्त हर जगह सुनाई दे रही हैं ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये सिर्फ़ इसलिए हो रहा है कि हमने अल्लाह को और उसके रसूल को छोड़ दिया और दुनिया को अपना सब कुछ बना लिया हया और पाक दामनी के नाम से हजरत जी की एक किताब है उसको लेना भी चाहिए पढ़ना भी चाहिए हजरत जी इस किताब में लिखते हैं कि इस किताब के लिखने के तीन बड़े मकासद हैं पहला मकसद तो ये है कि वो नौजवान तबका जो बेहयाई में डूब कर बहुत गुनाहों की दलदल में फंस चुका है उसको ये समझाया जाए कि वो अपने ही हाथों अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है अपने हाथों अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है अपनी आखिरत को भी तबाह कर रहा है उसको इस एहसास जया का एहसास दिलाया जाए और उसको तोबा का रास्ता दिखाया जाए और नेकी तकवा की मंजिल उसको दिखाई जाए और उस, उस रास्ते पर उसको चलाया जाए फ़िक्रमंद किया जाए पहला मकसद तो ये लिखा हजरत जी ने चंद साल पुरानी बात है एक खातून का फ़ोन आया वो किसी को एजुकेशन में पढ़ने जाती थी तो वहाँ किसी के साथ ग़लत ताल्लुक़ हो गया बाप या भाई छोड़ने भी आते और लेने भी आते अब इससे ज़्यादा और वो कर भी कुछ नहीं सकते थे अब जब वो वहाँ तालीम के लिए पढ़ने पढ़ाने के लिए जाती थी तो उसका कहना ये था कि तकरीबन रोज़ाना ही गुनाह में मुलविस होकर घर जाती थी फिर उसको ख्याल आया तोबा का तो कहती थी कि जहाँ जहाँ मैं गई जिस जिस से कहा मुझे हर एक ने कहा तेरे से तेरे लिए सिवाय जहन्नम के और कुछ नहीं रहा फिर खैर उसका रबता मुझसे हुआ तो फिर उसको तोबा के बारे में बताया तोबा तयब हुई उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसने पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारी तो गुनाहों में पड़े हु को उम्मीद का रास्ता दिखाना सही रास्ता बता देना ये भी आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है वरना फ़ायदा उठाने वाले तो बहुत हैं सही रास्ता दिखा देने वाले थोड़े हैं मायूस करने वाले भी बहुत हैं अल्लाह तक पहुंचाने वाले थोड़े हैं किसी की कमज़ोरी से उसको ब्लैकमेल करके अपना किसी भी किस्म का नफ़ा उठाने वाले तो बहुत हैं लेकिन अल्लाह की खातिर उसको अल्लाह की तरफ ले जाने वाले थोड़े हैं तो उन नौजवानों को जो इस दलदल में डूबे हुए हैं उनको निकालने के लिए अच्छा देखें एक होता है फंसा हुआ और एक होता है धंसा हुआ जब इंसान किसी दलदल में धंस जाए तो निकालने वाले के बग़ैर निकलना मुश्किल नहीं मुमकिन नहीं होता इंसान कहीं फंसा हो ना रास्ता ख़राब है झाड़ियों में फंस गया ख़राब जगह पे फंस गया तो उसके लिए कुछ ना कुछ हाथ पाँव मार के रास्ता निकालना बन सकता है रास्ता निकाल सकता है लेकिन जो दलदल में फंस जाए उसको बाहर किसी हाथ की ज़रूरत होती है जो उसे मुकम्मल डूबने से बचा ले, तो ये बेहयाई की दलदल में फंसे हुए नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण बन जाए ये हया की सीरीज़ ये दुआ है दूसरा मकसद हजर जी लिखते हैं इस किताब का ये है कि वो अवामनास जिनमें से अक्सरियत बात ख़ुद तो इन बुराइयों में मुबतला नहीं है लेकिन इर्द गिर्द होने वाले माहौल में बेहियाई के वाकयात, बेहयाई के मामलात और ऐसी जो पार्टियाँ होती हैं तकरीब होती हैं जिसमें मिक्स गैदरिंग म्यूज़िक डांस बेहयाई सब कुछ है या फिर अपनी औलादों के लिबास अपनी औलादों के तौर तरीके अतवार और उनके मामलात को देख कर ये खामोश बनी हुई खामोश तमाशाई है ये भी मुजरम है खामोश रहना ये भी मुजरम है इनको भी चाहिए कि हया और पाकदामनी की तलीमत पर ख़ुद भी अमल करें और औरों को भी इसकी तालीम दें और अपने घरों के माहौल को पाकिदा बनाएं नहीं तो ये आने वाला वक्त और ज़्यादा बेहयाई के तूफ़ान को लेकर आ रहा है बहुत सारे शरीफ लोग हमारे माशरे में ऐसे भी हैं जो थोड़ी बहुत बेहयाई में मुँह मारना जो है ना ये शराफ़त के ख़िलाफ़ नहीं समझते उनकी शराफ़त भी ख़त्म नहीं होती बाक़ी भी रहती है और थोड़ी बहुत की गुंजाइश वो अपने अंदर रखते हैं तो उनके सामने भी माशरे की कुछ हकीकत हकीकतें सामने आएँ और एहसास की आँख खुले और वो भी फिकरमंद हों कि तस्वीर का असल रुख तो वो देखें हवा जा किधर रही है हो क्या रहा है तो तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है पूरे माशरे की जिम्मेदारी है कि हया और पागदामी के लिए कुछ फ़िक्रमंद होना बेहयाई का तूफ़ान हमारी बहुत बड़ी तादाद को तो गर्क कर चुका है जो कुछ रह गए उनकी हिफाज़त ज़रूरी है और जो डूब चुके हैं उनको निकालना ज़रूरी है तीसरा बड़ा मकसद इस किताब का ये है कि ने तरीक़त वो लोग जो किसी अल्लाह वाले से बैत होते हैं ज़िक्र अस्कार करते हैं वो अल्लाह रबुलज़त की मार्फत चाहते हैं अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं नूर नस्बत चाहते हैं अल्लाह ताला का मज़बूत तल्लुक़ चाहते हैं विलायत चाहते हैं जो इस रास्ते के राही हैं उनको ये बता देना मकसूद है कि अल्लाह इज़्ज़त गयूर हैं वो गैर के ऊपर पढ़ने वाली नज़र बर्दाश्त नहीं फ़रमाते तो सालकिन को तो और ज़्यादा निगाहों की हिफाजत की और अपने अमाल में लाने की ज़रूरत है कि अगर वो अल्लाह इज़्ज़त का हकीीक़ी वसल चाहते हैं अल्लाह ताला का पक्का मजबूत ताल्लुक चाहते हैं तो फिर गैरुल्ला से नजरें हटानी पड़ेंगी हया ईमान का एक हिस्सा है हया किसी कहते हैं गुज्त बयान में बताया गया हया एक ऐसे सिफ्त और कैफियत का नाम है जो इंसान को बुरे कामों के करने से रोक देती है हया किस चीज से रोकती है अच्छे कामों से या बुरे कामों से बुरे कामों, बुरे कामों से रोकती है हया इमाम राघिब रम जो हया की तारीफ़ फरमाई है वो यही है कि हया इंसान को बुरे कामों के करने से रोकती है और हमारे यहाँ कितने नौजवान ऐसे हैं उनसे पूछो भी सर पे टोपी क्यों नहीं है जी शर्म आती है इसका मतलब ये हुआ कि सर पर टोपी पहनना उनके नज़दीक कोई बुरी बात है हया तो बुरी बातों से आती है शर्म तो बुरी बातों से आती है अच्छी बातों से तो नहीं आती कितनी औरतें ऐसी हैं पर्दा क्यों नहीं करती वही शर्म आती हैं यानी सोच उल्टी हो गई हमारी तो खो, खोपड़ी उल्टी हो गई एक मरतबा नबी आ सलाम ने देखा एक अंसारी साहबी हैं और अपने भाई को समझा रहे हैं कि ज़्यादा शर्म ना किए कर इतनी भी शर्म की कोई बात नहीं होती कोई ज़रूरत नहीं इस तरह की कोई बात फरमा रहे थे नबी सलाम ने जब ये देखा तो उनको मना किया छोड़ दो इसको हया तो इम, हया तो ईमान में से है ईमान का शोभा है ईमान है एक सहाबी अपने भाई को कह रहे थे इतनी हया की भी जरूरत नहीं है तो नबी ने उनको मना कर दिया क्या कह रहे हो तुम खामोश हो जाओ हया की तो जरूरत है इसकी तल्कन की जरूरत हया की वजह से इंसान के कौल और फैल में शख्सियत में एक निखार और एक वक़ार पैदा हो जाता है एक कशिश आ जाती है और वो अल्लाह इज़्ज़त के यहाँ मकबूल बन जाता है हजरत सलाम जब मदीन पहुंचे और वो जो दो लड़कियाँ थीं उनको पानी वगैरह पिलाया जानवरों को जो मामला था उनका पूरा हो गया अब ये एक बैठे हुए एक जगह पे तो उन दोनों में से एक आई वजा अदखदा तो फ़जा तमशी आल से ख्या हया की चाल चलते हुए फ़जादा तमश आलसया गौर करने की बात है कि जब अल्लाह रबुल्ज़त को किसी बाया की रफ्तार और गुफ्तार इतनी पसंद हो कि अपने कुरान में उसका जिक्र करें तो पाक दामन लोगों का किरदार अल्लाह के यहाँ कितना पसंदीदा होगा हमें किरदार को बनाने की ज़रूरत है क़रने मजीद में और हदीस मुबारक के अंदर हया और पाक दामने की बहुत बहुत फजीलतें बयान की गई हैं अल्लाह इज़्ज़त ने अजर आज़ीम का वादा किया है जब बड़े किसी बात को बड़ा कह देना वो वाकई बहुत बड़ी होती है देखें गरीब आदमी है उसकी सैलरी है पंद्रह हजार रुपये महीना वो किसी को कहे जी मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा एक ऐसा आदमी है उसकी तन आमदनी है पंद्रह लाख रुपये महीना वो किसी को कहे मैं बड़ा इनाम दूंगा और कोई वक्त का बादशाह हो वो कहे जी मैं बड़ा इनाम दूंगा तो तीनों ने लफ्ज़ एक ही बोला बड़ा इनाम दूंगा बड़ा दूंगा बड़ा दूंगा तो क्या मतलब हुआ हर आदमी अपने मरतबे के मुताबिक बड़ा देगा ना क्या ख्याल है तो अल्लाह इज़्ज़त तो अल्लाह इज़्ज़त हैं। जिस चीज़ को वो बड़ा और अजीम फ़रमा रहे हैं उसका मामला तो फिर कुछ और ही होगा तो हया और पाक दामनी वालों को अजीम अजर का वादा क़ुरान मजीद में वहाफ़ीन तो फ़ुरुज हम वल्हाफि वज़ाकिन अल्लाह कसी वाक़ अद्लह मगफरा आदल मग़िर वजरन आज़ीम हसी मजर का वादा अल्लाह फरमा रहे हैं इनको सवाब भी मिलेगा और मफफ़रत भी मिलेगी सवाब से मुराद क्या है ज़रा सुने दुनिया और आखिरत की बरकतें इनको मिलेंगी दुनिया की बरकतें और आखिरत की ये सवाब। मकफरत से क्या मुराद है? बहुत ही अजीब नुकता लिखा है फरमाया कि पाक दामन बंदे की मगफिरत का मामला ऐसे होगा कि उसकी पाक दामने की सिफ की वजह से अल्लाह बाकी दूसरे गुनाहों से चश्मपोशी फरमा लेंगे और उसको माफ़ कर देंगे इसकी सादा सी मिसाल यूँ भी ली जा सकती है कि किसी स्कूल में कॉलेज में मदरसे में कोई स्टूडेंट हो जो बहुत लायक फाइक हो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो तो पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से पता क्या होता है बाद मरतबा उस्ताद उनकी दूसरी कमियों को कोताही को नज़रअंदाज कर देते हैं कि पढ़ाई में अच्छा तो बिल्कुल इसी तरह जो हया और पाक दामनी में जिसके पूरे नंबर होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकी गुनाहों को उसको नरमी का मामला फ़रमाएंगे और इसकी मकफ़रत फरमा देंगे हया और पागदामनी की वजह से फ़लाह भी मिलती है फ़लाह हया फला अ फ़लाह की तरफ क़ुरान मजीद के अंदर आता है कौत अफलामिन और यहीं पे आगे आता है व लजी नफ़ुर जहिम चंद सिफात का और भी जिक्र है लेकिन इसमें हया और पाक दामनी का भी जिक्र अल्लाह है। फरमाते हैं कि यकीनन पाक दामन रहने वालों को फलाह मिलेगी पा चुके हैं वो फला फ़लाह किसे कहते हैं फ़ला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये फलाह है कामिल पाक दामन लोगों को ही मिला करती है और फलाह कहते हैं ऐसी कामयाबी को जिसके बाद नाकामी ना हो ऐसी ख़ुशी को जिसके बाद कोई गम ना हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ऐसी इज़्ज़त को जिसके बाद ज़िल्लत ना हो देखिए दुनिया के अंदर इंसान ज़िंदगी गुजारता है तो कभी कामयाबी मिलती है कभी नाकाम भी होता है कभी ख़ुशी मिलती है कभी गमी भी मिलती है हालात बदलते बदलते रहते हैं लेकिन एक वक्त आता है पाक दामन लोगों को अल्लाह फलाह कामिल आता फरमा देते हैं और हदीस के अंदर नबी आसमाम ने इंतहाई वाशगाफ़ अल्फाज में लाउड एंड क्लियर खुला क्रैश के नौजवानों को ख़िताब करके फरमाया या शबाब कुरशिन या क्रैश के नौजवानों जिना मत करो और आगे फरमाया जो अपनी शर्मगाह को महफूज रखेगा फ़ला जन्ना उसके लिए जन्नत है जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करेगी थोड़ी मेहनत और अजर ज़्यादा थोड़ी मेहनत से क्या मुराद है कि जो अंदर तूफ़ान उठते हैं ना शहावत के और बेहयाई के और इस तरह की सोचों के इस पे इंसान अगर थोड़ा सा काबू पा ले दस बीस पचास साल की बात है फिर चीज़ें ठंडी पड़ी जाती हैं लेकिन आखिरत की हमेशा हमेशा की कामयाबी और यहाँ अगर इसने अपने इन उठते हुए तूफ़ानों पे काबू ना पाया तो फिर क़यामत के दिन जहन्नम में लाखों साल जलना पड़े करोड़ों जलना पड़े अरबों जलना पड़े कोई पता है तो मेहनत थोड़ी और अजर ज़्यादा निसार फतही फरमाते हैं नूर में हो या नार में रहना नूर में हो या नार में रहना हर जगह जिक्र यार में रहना चंद झोंके खिज़ा के बस सह लो चंद झोंके ख़जां के बस सहलो फिर हमेशा बाहर में रहना दुनिया में फरमाया कि नूर में रहना हो या नार में रहना यानी आसानियों में रहना हो सुकून के अंदर या दुनिया की तकलीफ़ों और गमों और आजमाइशों में रहना ये चंद ख़जा के झोंके हैं ये गुजर ही जाएंगे मौत आ ही जाएगी फिर आगे बाहर ही बाहर है पाक दामन लोगों के लिए आगे बाहर ही बाहर है अल्लाह ताला हम सब को हया और दामनी वाली ज़िंदगी आता फरमाए और इसी हया और दामनी पर मौत भी आता फरमाए दामन लोगों का दुनिया में भी इकराम है और कयामत के दिन भी उनका है और पाक दामनी इस्लाम की बुनियादी तालिमात का हिस्सा है इस्लाम की बुनियादी बेसिक्स तालिमात का हिस्सा है इसकी दलील एक और लीजिए रूम का एक बादशाह था हरकल उसके पास हजरत अबू अबूसुफियान रजी अल्लाह ने तशरीफ़ ले गए लेकिन उस वक्त तक आप मुसलमान नहीं हुए थे और उस वक्त आप बहुत बड़े दुश्मन इस्लाम थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ गजे अहद में आए कितनी जंगों में आए गजवे बदर में भी आए लेकिन गजब बदर में सरदार अबू जहल था कैश मक्का का तो बाद में अबू जहल के मरने के बाद मक् के सरदार ये बने तो मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन थे उस वक्त तो कैसर रूम ने उनसे एक सवाल पूछा कि जिन नबी का तस्करा हो रहा है वो तुम्हें किस चीज की तालीम देते हैं ये बुखारी शरीफ की रिवायत है तो उन्होंने एक गैर मुस्लिम सीधे साधे अल्फाज में तालीमत नबवी का खुलासा एक बादशाह के दरबार में पेश कर रहा है तो, तो अल्फाज होते हैं ना कैलकुलेटेड तो उन्होंने क्या फरमा क्या बताया या अमरूना बिसअला वित वाफ वसिला चार बातें बताई कि वो हमें नमाज की सच्चाई की पाग दामनी की और सिला रहमी की तालीम देते हैं गोया के सिला गोया के पाग दामनी इस्लाम की बुनियादी तालीमत में से है सुबहानल्ला पागदामनी ये नबूवत का हिस्सा है नबूवत का मिजाज है हर नबी हया और पाक दामनी वाले हैं हर नबी बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्बिया की पाक दामनी की हिफाजत कैसे अजीब तरीके से की है कि इरशाद फरमाया नबी अलैहिस्सलाम का जो बत, नूर था ना वो तो अम्मा हवा के अंदर रख दिया गया था और वहां से पहुंचा नबी अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा तक फरमाया कि पूरी नस्ल में कोई एक औरत भी ऐसी न थी जो जानिया हो इतनी हिफाजत काफिरा हुई मुशरिक हुई वो अलग है हुई ना हुई और मामला फासिका हुई ना हुई बहुत कुछ और किया ना किया वो सारी बातें अलग हैं लेकिन पूरी लड़ी में हज हम आदम सलाम से अम्मा जो चला सिलसिला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत बीबी आमना तक कहीं जिना नहीं आया बेहयाई नहीं आई ये अल्लाह की हिफाजत का एक निज़ाम था फिर अम्बिया के अंदर हया और पाक दामनी कूट कूट के भरी होती है को अल्लाह कोल रबुजत ने फरमाया बशारत दी कि आपको एक बेटा मिलेगा याहया उनके बारे में क्या फरमाया सैद व हसूर और व नबी यम लोगों के पेशवा होंगे सैद होंगे और अपने आप को नफसानी ख्वाहिशा से मुकम्मल बचा के रखेंगे दूर रखेंगे यमबिया की सिफ्त होती है अरबी ज़ुबान में हसूर उस शख्स को कहते हैं जो अपनी शहावत पर कंट्रोल रखता हो और नफ़्स के फ़रेब में मुबला आना हो और आज़ीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा ने जब हजरत यूसुफ सलाम को खुले आवाज़ में आवाजी गुनाह की तो उन्होंने क्या फ़रमाया अल्लाह अल्लाह की पना चुनाचे उस वक्त गुनाह ना करने पर हर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल की मुशक्क़तें उठानी पड़ी लेकिन एक वक्त आया जुलेखा को कहना पड़ा वक्त हीसम तो मैंने दो डोरे डाले थे वो तो पाकिज़ा है तो यहाँ से मालूम हुआ कि हया ये नबूत का हिस्सा होती है नबूत का मिजाज हुआ करती है अब नबूत के बाद है विलायत नबूत का दरवाज़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आपके बाद कोई नबी नहीं क़्यामत तक के लिए नबोत आपकी है लेकिन विलायत का दर्जा पिछली उम्मतों में भी था इस उम्मत में भी है क़्यामत तक रहेगा वलियों के बारे में क़़र मजीद में बताया है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और रहमान होते हैं वला युनू वो जिना नहीं करते वो बेहिई के काम नहीं करते इससे ये मालूम हुआ कि अलिया अल्लाह ये वाली काम नहीं करते तो हर बैत होने वाला हर सालिक उसको चाहिए कि परहेज़गारी और इस्तामत की ज़िंदगी इख्तियार करे परहेज़गारी पर इस्तामत ही की बुनियाद पर आगे विलायत मिलती है और बंदा अलिया अल्लाह के ज़ुमे में शामिल हो जाता है सफ़ में आ जाता है जो अलिया अल्लाह होते हैं ना अल्लाह इन लोगों को अपनी हिफाजत में ले हैं ले लेते हैं और कबीरा गुनाहों से बचा लेते हैं भाई दोस्ती का तकाज़ा भी तो यही है ना कि दोस्त को फिर डूबने से बचा लिया जाए फिर अल्लाह ताला की रहमत का तकाजा भी यही है कि वो अपने प्यारों को इस तरह के एक अमल में जाने से बचा लेते हैं एक मिसाल सादा सी है कि अल्लाह वालों के दिल की कैफ़ियत क्या होती है और क्या मामला होता है ज़रा इसको समझें देखें एक बारी एक कोई लावारिस बच्ची थी बेसहारा थी यतीम थी वक्त के बादशाह ने उसको अपना लिया उसे निकाह कर लिया उसको अच्छे लिबास अच्छी खुराक अच्छा घर हर नेमत उसे मिल गई उसके इशारों पे महल के सैकड़ों खादिम कनीज़ें सब हरकत में आ जाएँ ख़जानों के मुँह खुल जाएँ बादशाह उससे मोहब्बत भी करता हो इज़्ज़त भी करता हो ऐसी कैफियत में जब ये मलका बन के ज़िंदगी गुजार रही हो तो अगर उसी महल का कोई बदशक्ल बदबूदार भंगी गंदे कपड़े वाला वो उस बादशाह को उस मलिका को अपनी तरफ बुलाए जबकि बादशाह भी उसको देख रहा हो क्या ये औरत उस भंगी की तरफ कभी भी तवज्जो करेगी कभी भी तवज्जो नहीं करेगी बिल्कुल यही हाल अल्लाह का होता है कि अल्लाह की नज़रों के सामने होते हैं अल्लाह इज़्ज़त की बेशुमार नमत एहसानात और अलफ़ करी माना इनके दिलों के ऊपर मुसलसल नज़ूल हो रहा होता है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद को अपनी आँखों से देख रहे होते हैं अल्लाह ताला के एहसानात और इनामात हर वक्त इनके ऊपर बरस रहे होते हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं और इनके दिल में एक सुकून होता है दुनिया के हालात और तगैय बड़े बड़े मामला गुजर जाते हैं लेकिन दिलों के अंदर एक सुकून होता है अब मुझे बुजुर्ग का नाम याद नहीं आ रहा शाह वली दहलवी जहलवी रहा के बाद के बुज़ुर्गों में से हैं तो दिल्ली के बादशाह जुमे में उनके मस्जिद में बयान में भी होते तो बादशाह भी उनका बयान सुना करते शाही रॉयल फैमिली भी तो उन्होंने एक मरतबा उन बादशाहों को मुखातब करके कहा अगर तुम लोगों को ये मालूम हो जाए कि हमारे दिलों में सुकून कितना है फ़ौजें ले कर हम पे हमला कर दो तो जिनके दिलों के अंदर ये कैफियत होती है वो फिर मालिक हकीकी को नाराज़ करने का ख़तरा मोल नहीं लेते तो अलिया अल्लाह जो होते हैं अलिया कामिलीन, ये इस किस्म की बेहतियों से बहुत दूर होते हैं मेरा तो वाक़ भी साथ साथ सुन लीजिए हज़रत सलमान बिन यसारहमत एक मशहूर मुहदस हैं एक मरतबा हज के सफ़र पर रवाना हुए तो रास्ते में कहीं कोई वीराना था पड़ाव डालना पड़ा खेमा लग गया तो कुछ साथी थे उन्होंने कहा जी हम जरा काम से बाहर जाते हैं कुछ खाने पीने की चीज़ें या क्या लेने गए इन्होंने कहा ठीक है भाई आप लोग जाओ मैं इस खेमे में अकेला हूँ इंतज़ार करूँगा वो लोग चले गए अभी ये तन्हाई है अकेले हैं इतने में कोई खूबसूरत औरत करीब आई कोई गुजर रही थी उसने खेमा देखा तो आ गई अंदर मर्द देखा तो उसने बाकायदा आवाज़ दी ये समझे कि भाई कि शायद कोई फ़कीर नहीं है भीख मांगने आई है तो उसको कुछ देने लगे सगाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे तो बस वही चाहिए जो मर्द को औरत से चाहिए होता है। बस उसका ये कहना था ये रोए रोए इतना रोए इतना रोए कि वो औरत शर्मिंदा होकर वहां से चली गई अब बात तो मुकम्मल हो गई लेकिन रात को जब ये सोए हैं तो ख्वाब में हजरत यूसुफ सलाम की ज्यारत हुई ये जब हजरत यूसुफ असलाम से मिले तो बड़े खुश हुए और कहा कि जुलेखा ने आपको गुनाह की दावत दी और आप बच गए आपने तो बड़ी सकामत और बड़ा उसके मतलब ये तो बड़ी तो बात थी आपकी आपकी कितनी बड़ी शहादत थी अलैहि सलाम ने उनसे फ़रमाया कि सलेमान मैं तो नबी हूँ और नबी होकर जिस गुनाह से मैं बचा तुम तो वली होकर उस गुनाह से बचे हो तुम्हारा भी बड़ा मकाम है तो इस गुनाह से बचने से अल्लाह के यहाँ मकाम मिल जाता है हजरत जुनेद बगदादी रम के ज़माने का एक वाक़ है उनके शहर में एक अमीर आदमी था उनके शहर में एक अमीर आदमी था उसकी जो बीवी थी ना रश के कमर थी बहुत खूबसूरत और हसीन। एक दिन वो अपनी ड्रेसिंग टेबल पर बैठी बनाव सिंगार में मसरूफ़ थी काबंद भी मौजूद था तो बड़े ना तरंग में आके कहने लगी Anyway, कि जो भी मुझे देखे मेरी तमक ये बगैर रह नहीं सकता ये नहीं हो सकता कि मुझे कोई देखे और फिर उसके अंदर कोई ऐसे जज्बात पैदा ना हो खाविद ने कहा कि भाई जुनैद बगदादी भी तुझे देख तो अगर जुनैद बगदादी तुझे देख लेंगे ना उनको कोई तेरा असर नहीं होना मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता कि ज़मीन के ऊपर कोई शख्स मुझे देखे और मेरी तमाह ना करे ये नहीं हो सकता मैंने कहा जुनैद बगदादी नहीं ऐसा करेंगे मैंने कहा अच्छा फिर आप मुझे इजाज़त दें कि मैं फिर आज़मा लेती हूँ कि घोड़ा और घोड़े का मैदान साथ ही है पता लग जाएगा कितने पानी में है वो खाविंद ने क्या ठीक है जा जो तूने कर कर ले अब यह बनसंवर के खूब तैयार होके गई मसला पूछने गई थी कोई शरीयत का और मसला पूछते पूछते उसने अपने चेहरे से पर्दा हटा लिया और जुनैद बगदादी रमत की अचानक नज़र उसके ऊपर पड़ी जैसे ही देखा कि चेहरे के ऊपर नकाब नहीं तो हजरत जुनैद बगदादी रन की आवाज़ नहीं की अल्लाह उसके दिल के अंदर ऐसी पेवस हो गई कि वहाँ से उठी वापस गई और उसके बाद दिल में अल्लाह की मोहब्बत ऐसी ऐसी रच और बस गई अब वो सारा दिन जिक्र असकार कुरान पढ़ती और सारी रात तहजद पढ़ती मुसल्ले पर खड़ी रहती उसका खाविन कहने लगा कि जुनैद बगदादी का मैंने क्या बिगाड़ा था मेरी बीवी मेरे काम की नहीं रही मैंने उनका क्या बिगाड़ दिया था तो ये अल्लाह रबुलज़त की मदद होती है हमारे सिलसिला आलिया के एक बुज़र गुजरे हजरत ख्वाजा बुस्तामी रहमत आल वो फरमाए करते थे अपना वाक़ कि जब से नूर नस्बत मेरे सीने के अंदर उतरा है अंदर से इतनी ठंडक है और इतना अल्लाह ताला की रहमत है मुझे औरत और दीवार का फ़र्क भी अब महसूस नहीं होता तो ओलिया कामिल की हालत हुआ करती है हाँ अगर बत बैत इनसे कभी कोई गुनाह हो जाए कुछ ऐसे वाकयात हैं इक्का दुक्का क्योंकि अहलुल्ला फरिश्ते नहीं होते ये रहते इंसान ही हैं कभी गुनाह हो सकता है लेकिन गुनाह पर इसरार नहीं करते जमते जमे नहीं रहते फिर ऐसी तौबा करते हैं ऐसी तौबा करते हैं कि पिछले गुनाह और जिंदगी की गलतियाँ वो और ज्यादा इबादत और निकी का बढ़ने का जरिया बन जाती हैं तो कभी ऐसा हो जाता है लेकिन वो लाखों करोड़ों में एक आध एकाध वाकया होता है तो उसूल यही है कि वलीउल्लाह बदकारी पर जमा नहीं रह सकता और बदकारी पर जमा रहने वाला वलीउल्लाह बन नहीं सकता जब तक के तौबा ना कर ले उसूल क्या है कि वलीउल्लाह बदकारी पर जमा नहीं रह सकता और बदकारी पर जमा रहने वाला वलीउल्लाह नहीं होता हो सकता वाली बात नहीं है के बदकारी पे जो जमा हुआ है ये वलीअल्ला नहीं होता हाँ तौबा तय हो जाए इस्तफार कर ले तो फिर बड़े बड़े ऐसे लोग जिन्होंने गुनाहों के अंदर भी बहुत बड़े बड़े गुनाह किए फिर बाद में जब वो अल्लाह की नज़रों में आए मोहब्बत की निगाह पड़ी तो बदल गए जुनैद बगदादी रहमत आल ये तो एक पहलवान थे फिर अल्लाह नेलिया का पहलवान बना दिया फजैलयाद रहाम डाकू थे डाकुओं के सरदार थे ऐसी तौबा की अल्लाह ने नेलिया का सरदार बना दिया इसी तरह बाद बादलिया के ऐसे वाक़ हैं कि सारी रात गैर महरम से मुलाकात के डेट के इंतजार में थे डेट और जगह तय करके सारी रात उसके इंतज़ार में रहे बड़े बड़े नाम लेकिन बाद में तोबा की तो अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम अता कर दिया तो वलीअल्ला गुनाह पे जमा नहीं रहता गलती हो जाए तो वापस आ जाता है लेकिन इस तरह के वाकयात बहुत कम होते हैं लेकिन हमारा मिजाज है कि बस इस किस्म का कोई वाक्य मिले तो उसी को फैला दो अब जो ये मामला ही हया और पागदामी सीरीज का है तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो हर महफिल में नहीं की जाती <coughs> लेकिन इसके किए बगैर गुजारा भी अब कोई नहीं रहा हजरत ख्वाजा बहाद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमत किसी ने पूछा हजरत इंसान बालग कब होता है इंसान कब बाल होता है उन्होंने पूछा शरीयत का बग या तरीक़त का बालग क्या मतलब अच्छा आप दोनों ही बता दें कि शरीयत का बालग कब होता है और तरीक़त का बालग कब होता है उन्होंने फ़रमाया समझाया कि देखो शरीयत का बालग तो तब होता है जब मनी उसके अंदर से निकले और तरीक़त का बालग तब होता है जब वो मनी से निकल जाए यानी शहावत के गुनाहों से सोचों से इन चीज़ों से वो निकल जाए तरीक़त में वो तब बालग होता है अब हम सोच लें कितना अरसा हो गया हमें बैठे हुए हुए ज़िक्र असकार मामूलात मुराकबा करते हुए और अगर फिर भी ऐसी सोचें हमारे अंदर अभी भी हैं तो तरीक़त में हम बाल अभी नहीं हैं तो शरीयत का बालग होना और तरीक़त का बालग होना हमारे बुज़ुर्गों ने इसको भी समझा दिया इससे मालूम हुआ कि नूर विलायत जब अंदर आ जाता है फिर अंदर एक सुकून की कैफियत होती है पागदामनी हमेशा इज़्ज़तें देती हैं हजरत यूसुफ़ का वाकया बेहतरीन है भाइयों ने कुएं में डाल दिया बिकते बिकाते अजीज मिस्र के यहाँ पहुँचे वहाँ वक्त की मलिका ने गुनाह के लिए बुलाया पुकारा उनका मैं तो अल्लाह से डरता हूँ फिर मुशक्क़तें उठाई तकलीफ़ें उठाईं बहरहाल एक ऐसा वक्त आया कि उनकी पागदामी और तकवा के ऊपर और सब्र के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ख़जानों का मालिक बना दिया उनके माँ बाप ने भाइयों ने उन्हें सजदा किया ये कि सब अज़मतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई वो मुल्क जहाँ अपना रिश्तेदार कोई नहीं वोट बैंक कोई नहीं बैंक बैलेंस कोई नहीं अपनी पार्टी कोई नहीं सियासी बैकग्राउंड कोई नहीं कुछ भी नहीं अल्लाह ने वहाँ की बादशाहत दे दी क्यों तकवा सब्र पागदामनी तो हर दौर और हर जमाने में जो हजरत यूसुफ़ यूसफ्लम की तरह तकवा और पागदहनी की ज़िंदगी गुजारेगा अल्लाह उसे इज्जतों के ताज अता फरमाएंगे ये पक्की बात है हदीस के अंदर एक वाक़ और भी आता है बुरी शरीफ की रिवायत है पक्की रिवायत। है बनी इसराइल का एक वाक़ ये नकल किया गया है इमाम बुखारी रमत के उस्ताद जो थे वो फरमाते थे कि ये वाक़ा वक़त वाकया नहीं है बल्कि रसूल सल्ला वसल्लम एक मैसेज देना चाह रहे हैं उस मैसेज को समझो हम लोग ना वाक़ सुनते हैं बस हमारे लिए एक वाक़ होता है उस वाक़े के अंदर मैसेज क्या होता है उस पर ग़ौर वफ़िक्र नहीं करते या कम करते हैं या यूँ कह लीजिए कि कम लोग करते हैं नबी सला ने नेत फरमाया कि बनी इसराइल का वाक़ है तीन लोग कहीं जा रहे थे रास्ते में सख्त बारिश शुरू हो गई अंधेरी रात थी तो उन्होंने गार में पनाह ले ली गार के अंदर छुप गए कि जरा मौसम बेहतर होगा तो फिर हम अपना सफ़र शुरू करते तूफानी बारिश थी हवाएं भी यकीन चल रही होंगी तो जनाब हुआ क्या अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी चट्टान आई और गार के दहाने के ऊपर आके फिट हो गई वो इतनी बड़ी थी कि तीनों पूरा जोर भी लगाते तो उसको हटा नहीं सकते थे अब तो उनको मौत जो है ना मुस्कुराती हुई सामने नजर आ रही थी मोबाइल फोन नहीं किसी को इतला नहीं कर सकते और ऐसी कोई चीज़ नहीं कि उसको हटा सकें अब बेबसी का आलम है कुछ जो कुछ खाने पीने को कितने दिन चल जाएगा तो इतनी बेबसी के आलम में उन लोगों ने पता है क्या फैसला किया वो एक मुश्किलात की गार में फंस गए थे जहां मौत उन्हें नज़र आ रही थी उनके भी बीवी बच्चे खानदान पीछे सब कुछ होगा ना तो एक ऐसी गार में फंस गए जहां कोई रास्ता ना था जैसे कहते ना बंद गली में ले आए बंद गली में जो भी आज भी जो बंद गली में फंस जाए अलैहिस्सलाम ने वाक उसको सुनाया है आज भी वो बंदा अपने आप को महसूस करे कि मैं फंस गया हूं कोई रास्ता नहीं है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह उसके लिए सुना है ये मैसेज है उसके लिए ये वाक़ हमने बहुत दफ़ा सुना होगा एक दफ़ा नहीं सुना होगा बहुत दफ़ा सुना होगा क्या वाक़ है जब उन्हें पता लग गया नाम हम ऐसी जगह पर आ गए अब तो सिवाए मौत के कुछ ना रहा इसबाब के दर्जे में तो फिर मुसब्बलासबाब की तरफ तोज्जो हुई कि वही तो वही अगर हटा दे तो हटा दे बाकी तो नाम बाहर किसी से कह सकते हैं ना खुद कर सकते फिर तो उन्होंने क्या किया एक बेहतरीन फैसला किया उनका ऐसा करो अल्लाह से दुआ मांगो और अपना वो अमल जो अल्लाह के लिए किया हो मैसेज अपना अल्लाह से दुआ करो और अपना अपना वो अमल अल्लाह के आगे पेश करो जो अल्लाह के लिए किया हो ये मैसेज है फिर तो पहले ने हाथ खड़े किए तो मांगा या अल्लाह मैंने अपने माँ बाप की बहुत खिदमत की है जब घर जाता था भक्के बच घर जब पहुंचता था बच्चे भूखे होते थे मैं पहले माँ बाप को खिलाता था बाद में अपने बच्चों को खिलाता था या अल्लाह तू जानता है, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे देर हो गई पहुंचते हुए पीछे बच्चे सो गए और माँ बाप सो गए या अल्लाह तू जानता है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैं अपने घर पहुँचा तो मुझे देर हो चुकी थी माँ बाप सो चुके थे बच्चे जाग भी रहे थे भूखे भी थे उन्होंने मांगा मैंने उनको नहीं दिया मैंने दूध का प्याला भरा मां-बाप के सिरहाने खड़ा हो गया कि ये भी तो भूखे हैं पहले इनको खिलाऊंगा बाद में अपने बच्चों को खिलाऊंगा मां-बाप को उठाया इसलिए नहीं कि नींद खुल गई आंख खुल गई तो दोबारा नींद आना मुश्किल बच्चों को खिलाया इसलिए नहीं कि पहले मां-बाप को खिलाना है और खुद भी ना सोया सारी रात जागता रहा जब मां-बाप की अपनी खुद आंख खुली तब मैंने पहले उनको पेश किया बाद में अपनी औलाद को पेश किया या अल्लाह अगर ये कोई अमल तेरे यहाँ कबूल है तो इस रास्ते को खोल दे तो कुछ वो चट्टान हिल गई और कुछ थोड़ा सा रास्ता बन गया लेकिन बाहर नहीं जा सकते थे इन्होंने क्या पेश किया तंग गली बंद गली से निकलने के लिए अपना वो अमल जो अल्लाह के लिए पेश किया था यानी माँ बाप की खिदमत अखलाक पेश किए नमाज़ रोज़ा हज ज़क़़त नहीं पेश की लोगों के साथ अखलाक पेश किए सिला रहमी दूसरा आगे आया या अल्लाह, तू जानता है कि मेरी एक कज़न है और मुझे उससे बड़ी मोहब्बत और मैं चाहता था कि उसके साथ गुनाह करूँ उसको कहता रहता था लेकिन वो मानती न थी एक दिन इंतहाई हालात से मजबूर होकर गुरबत से मजबूर होकर वो मेरे पास आई कि मेरी कुछ मदद कर दे मैंने उसको कहा ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ये पैसे देता हूँ लेकिन तुमने मेरी ये ख्वाहिश पूरी करनी है ये ख्वाहिश पूरी करो तो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ वरना चली जाओ यहाँ से वो इतनी मजबूर थी कि वो ना चाहने के बावजूद भी हालात की वजह से मजबूर होकर मेरे साथ गुनाह के लिए तैयार हो गई और जब वो मौका आया कि मैं उसके करीब जाने लगा तो उसने मुझे कहा खुदा से डर मैंने ऐसा गुनाह कभी ना किया ऐसा मामला मत कर तो या अल्लाह मेरे दिल में आपका खौफ आया और मैंने उसे छोड़ दिया तो या अल्लाह अगर ये कोई अमल आपके यहाँ कबूल है तो फिर दरवाज़ा कर ये गार का रास्ता खोल दीजिए तो रात गार थोड़ी सी और खुली चट्टान थोड़ी सी हटी लेकिन अभी भी इतनी नहीं थी कि तीनों निकल सकते रास्ता इतना नहीं था कि एक एक करके गुजर सकते इसने क्या पेश किया इसने भी नमाज रोज़ा नहीं पेश की इसने माशरत पेश की हया और पागदामनी पेश की लोगों के साथ फिर तीसरा आगे हुआ अल्लाह तू जानता है एक दफ़ा एक मजदूर मेरे पास आया था और नाराज़ होकर चला गया अपनी मजदूरी नहीं लेके गया था फिर मैंने उस पैसों से कुछ खरीदा फिर वो इतनी बड़ी फसल और इतनी बड़ी वो रेवड़ हो गया सिलसिला हो गया कि एक बहुत बड़ा रेबड़ बन गया वक्त के साथ साथ फिर वो कभी आया और मुझसे कहने लगा मुझ पर झुल मत कर मेरी मजदूरी दे मुझे उजरत दो मुझे उसने कहा दोनों पहाड़ों के दरमियान जितना रेवड़ है ना ये सारी तेरी उसी मजदूरी ही की कमाई है ले जा वो सारी लेके भी चला गया अल्लाह अगर ये तेरे लिए था तो रास्ता खोल दे तो भी चट्टान और हिली और उनके लिए रास्ता खुल गया और वो अपने आफियत के साथ वहाँ से निकल गए इसने क्या पेश किया इसने भी नमाज रोज़ा या रात की तहाजत पेशने की तस्बीहात नहीं पेश की इसने मामला पेश किया तो एक ने अखलाक पेश किए एक ने माशरत पेश की एक ने मामला पेश किया फिर अल्लाह ताला ने रास्ते खोले। तो इन में जो हमारे मौजूद से मुतल है वो तो पागदामनी है कि पागदामनी को अल्लाह के सामने पेश किया जाए अल्लाह दुआएं कबूल फरमा लेते हैं तो इमाम बुखारी रहमन के उस्ताद अली रहम फरमाते हैं कि ये सिर्फ वाक़ नहीं है नबी सलाम अपनी उम्मत को मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर तुम किसी बंद रास्ते में चले जाओ बंद गली में फंस जाओ तो फिर लोगों के साथ किए हुए अच्छे अवामला और अखलाक और किरदार ये रब के हजूर पेश करो और इस उम्मत के अंदर भी ऐसे वाकत हैं कि पाक दामनी की वजह से दुआएं कबूल होती हैं एक मरतबा दहली शहर में बहुत सख्त किस्म का कहद पड़ गया लोग परेशान जानवर परेशान बहुत परिशान। <coughs> <coughs> एक मरतबा दिल्ली शहर में कहत पड़ा इतना ज्यादा कहत था कि इंसान भी परेशान और हैवान भी फिर अहले शहर ने से मशवरा किया और सब ने कहा कि अभी शहर से बाहर निकलकर नमाज इसका अदा की जाए और तकलीफ इतनी ज्यादा है सिर्फ मर्द ना निकलें मर्द भी निकलें औरतें भी निकलें बच्चों को भी ले लें अपने घरों से जानवरों को भी ले लें सब जाके अल्लाह के हजूर खड़े हों तो अल्लाह की रहमत जल्दी मुतवज़ो होने की उम्मीद है ये आए नमाज़ सस्का अदा की दुआ मांग रहे हैं घंटों गुज़र गए ज़ोर का वक्त आ गया कोई बादल का निशान नहीं जितना वक्त गुज़रता जाए बच्चों का रो रो के बुरा हाल और बच्चों के शोर से फिर माएँ परेशान और पूरा एक अजीब सा समा था सब परेशानी के आलम में और आसमान के ऊपर बादल नाम की कोई चीज़ नहीं कोई ठंडी हवा नहीं और सूरज अपनी आँग बरसा रहा है यह मजमा इसी तरह था इतने में वहाँ एक नौजवान गुजरा उसने ऊँट की महार पकड़ी हुई थी और ऊँट की के ऊपर जो है कोई बापरदा औरत बैठी हुई थी उसने देखा इतने लोग आज यहाँ क्यों खड़े हैं नौजवान आया पूछा तो उसे कैफियत मालूम हुई कि वे सब इस नमाज इस के लिए आए हुए हैं और दुआएं कर रहे हैं सुबह से अभी तक कोई का हल नहीं निकल रहा तो वो नौजवान वापस गया और ऊँट के ऊपर जो औरत बैठी हुई थी ना उसकी चादर का एक कोना उसने पकड़ा और हाथ दुआ के लिए बुलंद किए अभी उसने दुआ के लिए हाथ फेरे ही थे मुकम्मल करके आसमान के ऊपर हालात बदलने शुरू हो गए हवाओं में खून की आना शुरू हो गई और बादलों के आसार नजर आने लग गए एक माहौल बनने लग गया तो जो वक्त के ऊल्मा थे उन्होंने अभी तो देखा था इस नौजवान को और उसके सवाल को और वापस जाने को दौड़े उसके पास गए ए नौजवान तो कैसा मुस्तव दावत है क्या तूने ये अमल किया है हम तो इतने लोग सुबह से दुआई कर रहे हैं क्या किया है तूने क्या मांगा कैसे किया तूने उसने कहा भाई मेरी तो अपनी ज़ाती कोई बात नहीं ऊँटी की ऊँट के ऊपर जो औरत बैठी है बापरदाएँ मेरी वाह मारी मेरी वालदा है ऊँट के ऊपर जो औरत बैठी है ये मेरी माँ है मेरी वालदा है मैंने तो बस इतना किया कि अपनी मां की चादर के कोने को पकड़ के अल्लाह से सिर्फ इतना अर्ज किया था या अल्लाह मेरी मां एक पाक दामन औरत है इसकी पाक दामनी का अगर आपके यहां कोई मकाम है तो अल्लाह शहर वालों पर रहमत फिर तो पाक दामन के ऊपर दुनिया में भी आसानी है और आखिरत में भी आसानी है एक हदीस के अंदर आता है कि एक शख्स ने नबीम के सामने बात की एक सहाबी ने या रसूल अल्लाह वसल्लम मुझे अपने घर वालों के ऊपर शुबा है बड़ा शक में मुबतला रहता हूँ और इस वजह से बड़ी परेशानी है कोई हल बताइए तो नबी आल सात फरमाया तुम लोगों की औरतों के साथ परहेजगारी का मामला करो लोग तुम्हारी औरतों के साथ परहेजगारी का मामला करेंगे तुम लोगों की औरतों के बारे में पाक दामन रहो लोग तुम्हारी औरतों के बारे में पाक दामन रहेंगे आकालाम ने एक उसूल बता दिया कि अदले का बदला होता है अगर हम चाहते हैं कि हमारी औरतें पाक दामन रहें फिर हमें पाक दामन रहना होगा फिर अपने हमें अपने मोबाइल का इंटरनेट का तन्हाइयों का इस्तेमाल अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल अपनी महफिलों का चुनाव पाक दामनी को सामने रखते हुए करना होगा बस जो शख्स दूसरों की इज़्ज़त बर्बाद करेगा फिर दूसरे इसकी इज़्ज़तों को बर्बाद करें ये कर्ज़ है ज़िना एक कर्ज़ है जो लिया जाएगा इमाम शाफ़ी रहमत हैं, पाक दामन रहो तुम्हारी औरतें पाक दामन रहेंगी और बचो उससे जो मुसलमान की शान के लायक ही नहीं यानी जना से फिर फरमाएँ बेशक जना कर्ज़ है अगर तूने ये कर्ज़ ले लिया तो तेरी ही घर वालों से अदायगी करवाई जाएगी और उस जान ले इस बात को जो जिना करेगा उससे जिना किया जाएगा अगरचे उसके घर की दीवारों से किया जाए ऐ शख्स अगर अकलमंद है तो इसको जान ले समझ ले तफसीर रूहुल बयान उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है कि बुखारा शहर में एक ज्वेलर की दुकान थी और उसकी बीवी वो एक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे उनके घर में कोई काम वाला आता था जैसे पानी देने वाला या सब्ज़ी वाला इस तरह से कोई आता था और बरसों से आ रहा था बीस तीस साल से आ रहा था गोया बचपन से आ रहा था एक दिन ये ज्वेलर अपनी दुकान बंद करके जब घर पहुंचा तो देखा कि सामने बीवी बैठी है और रो रही है मैंने पूछा भी खैरियत है क्यों रोती हो उसने कहा भाई इस तरह हमारा ये बंदा रोज़ कोई चीज़ लेके आता था जैसे दूध वाला या पानी वाला उस ज़माने में तो सक्के भी होते थे पानी लाते थे जैसे आज दूध लेकर आते तो आज जब मैंने बर्तन या चीज़ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने मेरे हाथ को शहावत से पकड़ा और दबाया औरत महसूस कर लेती है निगाहों को भी और क़दमों को भी और अंदाज को भी तो मैं तो इसलिए परेशान हूँ और रो रही हूँ कि इसके ऊपर इतना इतमान और अतमाद था और बरसों का एक ताल्लुक़ था दुनिया से तो हया उठ गई मैं इसलिए रो रही हूँ जब बीवी से ये बात सुनी अब इस ज्वेलर ने सोनार ने रोना शुरू कर दिया अब ये रो रहा है बीवी ने पूछा आप क्यों रोते हैं उसने कहा भाई बात असल में ये है कि आज मैं दुकान पे बैठा हुआ था कोई औरत आई थी और उसने मुझसे चूड़ियाँ ली फिर उसने कहा चूड़ियाँ मुझे पहना भी दो जब मैंने उसे पहनाई तो मैंने शहावत के नीयत के साथ उसके हाथों को दबाया मैंने वहाँ गैर महरम को दबाया शहावत के साथ यहाँ मेरे साथ ये मामला हो गया फिर इस ज्लर ने फ़ौरी तौर पर तोबा हुआ तोबा तयब किया अल्लाह से ख़ूब माफ़ियाँ मांगी रो रो के फिर अगले दिन क्या हुआ अगले दिन सुबह ज्वेलर गया अपनी दुकान पर रात को जब वापस लौटा तो बीवी कह रही थी कि आज वो आया था और बहुत माफ़िया मांग के गया है और कि जी बस शैतान मेरे ऊपर सवार हो गया था गलती हो गई बस आप मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दें बहुत शर्मिंदा हूँ उधर मर्द ने गैर महरम का हाथ दबाया उसके घर में हाथ दबाया गया इधर मर्द ने तोफा सच्ची तोबा की उधर से गैरों ने तोबा की ये तफसीर रूहुल बयान में वाक़ मौजूद है इसी तरह तफसीर मानी में भी इस किस्म का एक वाकया मिलता जुलता मौजूद है एक वक्त के बाद एक वक्त के बादशाह के सामने एक आलिम ने ज़िक्र किया यही कि ये जो गुना है ना ये कर्ज़ है किसी ना किसी से लिया जाता है उसने कहा अच्छा मैं इसको चेक करता हूँ तो उसने अपनी जवान जो बेटी थी शहज़ादी खूबसूरत थी उसको कहा देखो आम आवाम के कपड़े पहनो शहज़ादी वाले नहीं और ज़रा शहर का पूरा चक्कर लगा के आओ और दरा चेहरा आज खुला रखना और जो कुछ जहां तुम्हारे साथ हो उसकी पूरी रिपोर्ट मुझे वापस आके देना बेटी ने बाप की बात मानी और शहज़ादी ने आम कपड़े पहने और चल पड़ी सारे शहर का चक्कर लगा के जब महल में दाखिल हुई तो कहीं भी उसके साथ कोई हादसा ना हुआ कोई मसला ना आया महल में जब दाखिल हुई अपने कमरे में जाने का सोच ही रही थी कि महल के अंदर से कोई खादिम दौड़ता हुआ आया और उसने उसको महल की मुलाजमा ही समझा और करीब होके उसके गले लगा उसको एक बोसा दिया और फ़ौरन कहीं भाग गया अभी शहज़ादी अंदर गई फिर अपने बाप बाप को मिली और पूरा माजरा सुनाया कि भरे शहर में कहीं कुछ ना हुआ किसी ने निगाह भी ना उठा के देखा हालांकि जवान भी थी और चेहरे को उसने उस दिन खोला भी रखा था और घर में ये मामला हुआ अब बादशाह रो पड़ा फिर बादशाह ने उन आलिम को बताया कि ये बात सही है मैंने इसका तजुर्बा कर लिया है कि ज़िंदगी भर मैंने निगाहों की हिफाजत की घर से बाहर निकल के हाँ एक मरतबा मुझसे ग़लती ज़रूर हुई थी जिस पर मैंने सच्चे दिल से तौबा भी नहीं की थी भूल गया था बल्कि करके कि एक मरतबा महल में कोई कनी सी तो उसको मैंने गले लगाया था और एक बोसा दिया था आज वो मेरी औलाद के साथ पूरा हो गया मामला तो ये तो एक कर्ज़ है सलाम ने फरमाया तुम पाक दमन रहोगे दूसरों की औरतों से महफूज रहोगे उनको अपने से महफूज रखोगे तुम्हारी औरतें भी महफूज रहेंगी तो अदले का बदला है टेट फॉर टेट है जैसी करनी वैसी भरनी रह गई बात अगर किसी से को गलती हो चुकी है तो उसके लिए तोबा का दरवाज़ा खोला है इंसान दुनिया में सच्ची पक्की तोबा करे आइंदा ने की तकबा की परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारे ताकि दुनिया में कसास यानी बदले से बचे और आखिरत में आजाब से बचे रास्ते खुले हैं पाक दामनी अल्लाह रबुलजत को इतनी पसंद है क़्यामत के दिन अर्श के अलावा कोई साया न होगा नफसा नफसी का आलम होगा ज़मीन तप रही होगी सूरज इंतहाई करीब होगा उस नफ्सा नफसी के आलम में कुछ खुश नसीब ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह अपने अर्श का साया आता फ़रमाएंगे और उनके अंदर एक ऐसा नौजवान भी होगा एक ऐसी नौजवान औरत भी होगी ऐसा नौजवान मर्द भी होगा जिनको किसी ने गुनाह के लिए पुकारा होगा दावत दी होगी उनको मैसेज आया होगा ट्वीट आया होगा व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा ईमेल आई होगी कॉल आई होगी उनको किसी ना किसी तरीके से गुनाह की दावत मिली होगी और उन्होंने कहा होगा मैं अल्लाह से डरता हूँ इन खुशनसीब लोगों को इन नौजवान लड़कों और लड़कियों को क़्यामत की उस परेशानी के आलम में गम के उस दिन में अल्लाह इज़्ज़त आफियत अदा फ़रमाएंगे अपने अर्श का साया आता फरमाएंगे दुनिया परेशान होगी अर्श के सा के नीचे पुरसकून होंगे मुतमईन होंगे सुरूर के आलम में होंगे सिर्फ़ पाक दामनी की बुनियाद के ऊपर फिर पाक दामनी वाले के लिए जन्नत की गारंटी नबी सलाम ने ली कोई पाक दामन मर्द हो या पाक दामन औरत रसूल वसलम जन्नत की ज़मानत देते हैं फरमाया जो मुझे अपनी रानों के दरमियान की चीज़ और अपने जबड़ों के दरमियान की चीज़ यानी ज़ुबान और शर्मगा की हिफाजत की ज़मानत दे मैं मोहम्मद वसल्लम उसे जन्नत की जमानत देता हूँ फरमाते हैं कि ये हदीस क़यामत तक जब जिसको मिले वो ये गारंटी दे दे तो ये इसमें शामिल हो जाएगा पाक दामनी के लिए दुआएँ मांगना यह भी सुनत रसूल अल्लाह वसम अलैहिस्सलाम तो मासूम लेकिन मासूमियत के बावजूद पाक दामनी अल्लाह से मांगा करते थे एक तो इसलिए कि ये अल्लाह को पसंद है और दूसरा इसलिए कि उम्मतियों की तालीम के लिए कि उम्मत को तालीम हो जाए कि तुम्हारे नबी भी मांगते रहे तुम भी मांगो और अल्लाह ताला को पसंद भी है तो हमें भी अपनी दुआओं में पाक दामनी मांगनी चाहिए चुनाच एक दुआ तो ये है अल्ला इन्नी असलुगलहदा व ता वफाफा वलना अल्ला असलुदा व ता वफाफा वगना एल्ला मैं तुझसे हिदायत तकवा पाक दामनी और गना का सवाल करता हूँ और एक दुआ यह है अल्लाम ने रुश दी व आयदनी मिनशर नफसी अल्ला अलिमनी रुशदी व आयदनी मिन शर्र नफ्सी ए अल्लाह मुझे इल्हाम फरमा मेरी हिदायत और मेरे मुझे हिदायत की इल्हाम फरमा और मुझे नफ्स के शर से महफूज फरमा दूर फरमा नफ्स के शर तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में जहाँ और बहुत सारी दुआएँ मांगते हैं पागदामनी भी अल्लाह से मांगें इस्लाम से कबल अहल अरब में बेहयाई शराब नोशी खूब थी और बेहयाइयों के चर्चे बाकायदा कई ऐसे शुरा हैं बाकायदा अपनी कज़न पुपी की बेटी और अपने बेहयाई के गंदे वाक़ात अपने अशार में सुनाया करते थे फ़खर के साथ भरे मजमुों में बल्कि एक ने तो बैतुल्ला के दरवाज़े बैतुल्ला पर ही लटका दिए थे अपने बेहयाई के दास्तान ये वो मंज़र था जिसको बयान करना और सोचना समझना आज से दस बीस साल पहले किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि बंदा इतना बेहया इतना बेग़ैरत इतना जलील इतना नीचा हो जाए हया बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए कि अपनी बेहयाई की दास्ताने खुले आम लोगों को बताता फिर आज से तीस चालीस साल कुछ अर्सा पहले इसको समझना बहुत मुमकिन बहुत मुश्किल था लेकिन आज फेसबुक ने सब कुछ समझा दिया कि इस्लाम से पहले अरब के कबाइल जिस तरह बेहईयों के ऊपर फखर महसूस करते थे आज हम भी उसी तरह टिकट हो या फ़ेसबुक हो या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपनी बेहईयों को भरपूर तरीके से इन्जॉय करते हैं आज से 30-40 साल पहले बात समझना समझाना मुमकिन नहीं था कि अम जाहलीत दौर जाहिलियत की मिसाल हमारे ज़माने में हम अपनी आँखों से देख रहे हैं ताहम रसूल सल्लाम की मुबारक सहबत ने इन लोगों के दिलों को बदल दिया कई वाक़ हैं एक सभी हज़रत मुर्सद रज़ी अल्लाह तू उनको कुछ ज़िम्मेदारी दी गई थी कि मक् के गरीब जो लोग हैं जो हजरत के लिए परेशानी उनको हो रही है उनको ज़रा सपोर्ट करें तो ये किसी तरह किसी काम के लिए मक्का आए हुए थे तो वहाँ एक औरत जिसका नाम था उन्नाक वो उनको मिली इनके इस्लाम लाने से पहले इस औरत से उनके ताल्लुक़ थे रिलेशन थे उसने जब देखा बातचीत की अब ये निगाहें झुकाए हुए हैं देखते क्यों नहीं और फिर कहा देखो बड़े ज़माने बाद मुलाकात हो रही है आज रात तुमने मेरे घर में ठहरना एक रात आ जाओ मेरे पास उन्होंने कहा नहीं अब इस्लाम में ला चुका वक्त बदल गया है अब ये चीज़ें हमारे यहाँ जायज़ नहीं मैं नहीं आ सकता और जाना चाहा उसने कहा देखो अगर मेरी बात ना माना मेरी बात ना मानी मैं शोर मचाऊंगी अभी कुफ़ार मक्का कोई इतला होगी वो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे उसकी धमकी को भी सुना और वो वहाँ से चले गए और छुपते छुपाते फिर मक्का से निकल गए इस्लाम लाने से पहले और इस्लाम लाने के बाद इतना फ़र्क़ ये रसूल थे एक सहाबी है अबू मूसा शायरी रजी अल्लाह तरमाते थे मुझे ये बात तो फिर भी पसंद है कि मेरी नाक में किसी मुर्दार की बदबू आ जाए लेकिन ये बात बिल्कुल पसंद नहीं किसी गैर महरम की बद खुशबू आ जाए साहबा की तबयीन की तरबियत ऐसी हो गई थी एक दफ़ा का वाक़ है कि मुसलमानों का एक लश्कर खिलाफत राशद के किसी दौर में ईसाई के ईसाइयों के किसी इलाके से गुज़रा इलाका फतह कर चुके थे शहर से गुज़रना था तो उस वक्त के ईसाइयों ने भी यही किया जो आज के कर रहे जो पहले भी होता रहा आगे वाक़ आएंगे बल आम का वाक़ भी आएगा तो क्या किया कि अपनी औरतों को बना सँवार बना सवार कर आगे खड़ा कर दिया जब जो लश्कर के सरदार थे उन्होंने जब देखा कि इधर तो रास्ते में दोनों तरफ उन्होंने लड़कियाँ खड़ी कर दी हैं तो उन्होंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी कुलना यार हैं। मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को झुका लें पूरे लश्कर ने सिर्फ एक आवाज़ सुन के ये आयत का पूरा आयत का हिस्सा सुन के आंखें झुका लीं। फिर जब ये लोग किसी वक्त मदीना पहुँचे ना तो अहले मदीना ने पूछा आप उस शहर गए थे तो उसकी इमारतें कैसी थी कैसा था वो शहर उन्होंने कहा हमें तो अमीर का हुक्म आया आंखें झुका लो हमने सारा शहर ऐसे ही गुजार दिया हमने देखा ही कोई नहीं कि वहाँ क्या था और क्या नहीं था तो नबी आसमाम की सहबत सहाबा ने ऐसे पाक दामनी को इख्तियार किया फिर ताबेन ने सहाबा की सोबत में रह के दामनी को इख्तियार किया आज हम चाहते तो हैं बहुत फ़ोन आते हैं जो कुछ फोन में इतलात आती हैं वो मैं आपको सुना नहीं सकता वो सुनाऊँ तो आप दोबारा इधर कभी नहीं कहेंगे कहेंगे कौन सा बेहाया बेघैरात आदमी बिठा दिया क्या सुना रही है हमारे इधर गिर इर्द गिर्द जो हो रहा है इतनी मामला हैं नहीं बयान नहीं कर सकता मैं जो कुछ हो रहा है तो अक्सर व बेशतर क्या होता है जी कुछ पढ़ने को बता दें कुछ दुआ कर दें भाई दुआ भी ज़रूरी है पढ़ना भी ठीक है ये सारी बातें मानते हैं हम इसको इकरार है इनकार नहीं है लेकिन असल तो अपने घर के माहौल को भी ठीक करने की ज़रूरत है किसी नेक महफिल में भी आने की ज़रूरत है उसके बगैर काम पूरा नहीं होता कुछ करना भी पड़ता फिर क़ुरान मजीद में देखिए सूर्य ममतःना में अल्लाह रबुल्ज़त ने नबी आसाम को हकम दिया कि इन औरतों को बैत कीजिए किस बात के ऊपर बैत कीजिए वला यजनी ना ना वला नाला ना कि ये जिना नहीं करेंगी अपनी औलाद को क़त्ल नहीं करेंगी किसी बहुतान नहीं बांधेंगी तो मुफसरीन बात फरमाते हैं यहाँ क़त्ल औलाद से मुराद हमल का गिराना है और इफ्तरा से मुराद अपनी नाजायज़ औलाद को किसी गलत तरफ़ मनसूब करना है अगर ये मुराद ली जाए वला अक्तुलना उदहन्ना तो हमारे माशरे में इसके ऊपर भी ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि जो बयान करना मुश्किल है चंद दिन पहले एक केस सामने आ भी गया कि वो बच्ची इस अमल में उसका इंतकाल ही हो गया और जो उसका बॉय फ्रेंड था वो छोड़ के भाग गया अगर खाविंद होता और मिस कैरिज हो जाता तो कभी छोड़ के ना भागता लेकिन हराम ताल्लुक़ थी हराम मौत वो मरी बाकी अल्लाह मखिरत फरमाए मुसलमान तो बहरहाल गुनागार हो मुसलमान ईमान तो है लेकिन पूरे ख़ानदान में रसवाई का ज़रिया तो बन गई ना वो बूढ़ा बाप जिसने कर्जा लेकर पैसे भेजे थे पैसे तो उन्होंने इसलिए मांगे थे ना कि जी तालीम के लिए चाहिए लेकिन वहाँ तो कुछ और सिलसिले थे इसी तरह बेहि की कुरान मजीद में भरपूर मजम्मत आई है भरपूर तरीक़े से फ़शा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ क़र मजीद में बेहि के लिए फ़शा का वैन हा अलफ़ा इवल मुनकर बख्श यादकुम लाकुम तज कर बेह बदी और जुल्म से तुम्हें रोकता है और तुम्हें नसीहत करता है कि तुम नसीहत हासिल तुम तुम्हें समझाता है नसीहत करता है कि तुम नसीहत को कबूल करो समझो और एक और मक़ाम पर फरमाया कुलमा हर रबा हम वमिन हा बतन कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेह्याई के कामों को हराम करार दिया है चाहे वो बेहियाई खुली हुई हो या छुपी हुई हो एक और मक़ाम पर खुले लफ्जों ज़ैना को फाहशा से ताबीर किया और इंतहाई बुरी तरीन खबीस चीज़ इसको बताया फरमाया वाला तक रबु जना का नफ़ा हैशा वसा सबीला जिना के पास भी मत जाना इतनी बुरी चीज है ये कहीं कुरान में ये नहीं है कि जिना मत करो ये कहीं नहीं है वला तकरब उस जिना इसके करीब भी नहीं जाना ये इतनी बुरी चीज़ है ये जो ला की तलवार है ना ये हर उस चीज के ऊपर है जो इसको जो बंदे को माशरे को उस गुनाह के करीब करे वो बेपर्दगी हो वो तस्वीर बनाना हो वो म्यूज़िक हो वो डांस हो वो मिक्स गैदरिंग हो वो लिबास के अंदर एक बेहतियातियाँ हो, वो कुछ हो हर वो चीज़ जो इसके करीब करे उससे रुकना है इसके करीब नहीं जाना तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन बातों की सही समझ आता फरमाए तो ये आज चौथा बयान था हया और पागदामनी का इंशाल्लाह अगली इतवार को इस सिलसिले का पाँचवाँ बयान होगा जिसमें जो मेन टॉपिक होगा वह बद नजरी उसमें फिर इनशा लजीज़ तफसलत आएँगी अल्लाह ताली से दुआ है अल्लाह ताली हमें हया और पाक दामनी वाली ज़िंदगी आता फ़रमाए वावाना तोबा के कलिमात पढ़ लीजिए कोई बैत होना चाहे तो बैत की नीयत भी कर सकता है जो पहले से बैठें वो तजदीद बैत की नीयत करें तोबा की नीयत तो हम सब करें मैं भी कर रहा हूँ بعد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و أستغفر الله ربي من كل ذنب و أتوب إليه أستغفر الله ربي मिनकुलज़म बे आत बिलई अस्त रबी मिनकुलम बे आतु बिलई बती का यादल इनका लिमा से मम तो आय हो चुके हैं थोड़ी देर के लिए जिक्र कल भी कर लीजिए आँखों को बंद कर लीजिए सरों को झुका लीजिए ये ख़याल करके बैठिए कि अल्लाह की राहमत आ रही है मेरे दिल में समा रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह

खताओं से दरगुजर फरमा गायबों की परदा पोशी फरमा रब करीम अपनी रहमतों की पुष्त पनाही नसीब फरमा रब करीम सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक नेकी की तकवा आता फरमा हया और दामनी वाली जिंदगी आता फरमा बेहयाही से महफूज फरमा रब करीम हमारी तनहियों को पाकदा फरमा हमारी मजालस को पाकदा फरमा हमारी रातों और बातों को पाकदा फरमा हमारी सोच को पाकदा फरमा रब करीम अपने मकबूल बंदों में हम सब को शामिल फरमा या इलामीन इला तमाम हाजरीन की तमाम दिली ने एक जायज़ हाजात को पूरा फरमा अल्ला या अल्लाह में हया और पाक दामनी आता फरमा बेहयाई से महफूज़ फरमा हमारी तनहाइयों को पाकदा फरमा हमारी मजालस को पाकिदा फरमा हमारी रातों को पाकिदा फरमा हमारी बातों को पाकिदा फरमा हमारी सोच को पाकिदा फरमा या आलमीन जो साहिबी ओलाद हैं उनकी औलादों को नेकोकार फरमा वालदे की आँखों की ठंडक बना मुत्तियों का इमाम बना अल्लाह ओलाद अल्ला की खुशी आता फरमा ओलाद के गमों से महफूज़ फरमा या अल्लाह जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियाँ मौजूद हैं कदरदान आता फरमा वालदेन के लिए फ़रज़ निभाने आसान फरमा कब करी हमारी दुआओं को कबूल फरमा या इलामी हम सबको रज़ हलाल आसान फ़रा और बाबरकत आता फरमा हराम और मुशतबे से महफूज फरमा या इलामी बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा और जो कहना चाहते थे नहीं कह पाए और वो लोग जिनका हक है कि उनके लिए दुआएं करते रहा करें रब करीम सब के लिए खैर के फैसले फरमा या हम में और हमारे घरों में जो बीमार हैं शफात फरमा जो परेशान है परेशानियों को दूर फरमा जो मकरूज़ हैं कर्ज़ों की अदायगी के आसान इसबाब अपनी रहमत से पैदा फरमा रब करीम हम पर अपनी रहमत की नज़र फरमा या आलमीन बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा और जो कहना चाहते थे नहीं कह पाए और वो लोग जिनका हक़ है कि उनके लिए दुआएं करते रहा करें रब करीम सब के लिए खैर के फैसले फरमा व तरी खिलक़े सैदना मौलाना मुहमद मला वही तजमाइन आमीन या रबालमीन आमीन बरमिन